नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर उससे पहले हेडलाइंस पर। हरिद्वार में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 644 पोलियो बूथ पर चलाया जा रहा है अभियान। 1,00,000 बच्चों को लगाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मामले सामने आए और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 20 मरीज ठीक होकर घर लौटे। देवभूमि में बारिश का कहर जारी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार। 29 अक्टूबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। पर्यटकों को उत्तराखंड में सतर्क रहने की अपील की गई है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से इस वक्त की। हरिद्वार में आज पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ है, शुरुआत हो गई है। 644 पोलियो बूथ पर अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। 1,00,000 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप लगाई जाएगी इस दौरान। और इस अभियान के तहत पोलियो अभियान के साथ कोरोना टीकाकरण भी होगा, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। पोलियो अभियान तो चलाया जाएगा, लेकिन इसके साथ कोरोना टीकाकरण भी लोगों का किया जाएगा। तकरीबन 1,00,000 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाएगी और 644 पोलियो बूथ पर यह अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तैयारियों की समीक्षा भी की है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि 1,00,000 बच्चों को पोलियो का ड्रॉप देनी है और इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके निर्देश एसडीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। तो पोलियो अभियान के साथ ही कोरोना टीकाकरण भी किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी भी सामने आई है। 644 पोलियो बूथ पर यह अभियान चलाया जा रहा है। धनराज गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, बड़ी जानकारी सामने आई है कि हरिद्वार में पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से तैयारियां आप देख रहे हैं इसके लिए? जी सोनिका, बिल्कुल, आज से पोलियो पल्स अभियान की शुरुआत हरिद्वार से की गई है, जिसमें 644 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज का जो लक्ष्य रखा गया वो 1,00,000 बच्चों का लक्ष्य रखा गया कि 1,00,000 बच्चों को पोलियो की दवाई आज पिलाई जाएगी। तो कहते हैं जिस तरीके से शुभारंभ किया गया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहां पहुंचे हैं और ये शुभारंभ हुआ है, तो कहना कहीं इससे लगता है कि अब बच्चों की जो पोलियो की समस्या थी वो कहना कहीं दूर हो पाएगी और सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार कह रहे हैं कि पोलियो की दवाई का जो अभियान है उसमें तेजी लाई जाएगी और प्रत्येक रविवार को इसी तरीके से सेंटर लगाए जाएंगे और प्रत्येक रविवार को सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पोलियो की बीमारी है वो उससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि टीकाकरण का अभियान भी इस दौरान लगातार जारी रहेगा और जो टीकाकरण है अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बच्चों का टीकाकरण भी जल्द ही वैक्सीन आने वाली है और जल्द ही उन बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी जो 12 साल से अधिक उम्र के हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि अब जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसमें उस अभियान में भी तेजी आई है और पल्स पोलियो के अभियान में भी तेजी आ चुकी है। जी तो लोग कितने जागरूक आपको नजर आ रहे हैं इसके धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल, यदि पल्स पोलियो अभियान की बात करें या टीकाकरण की बात करें या वैक्सीन की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है, क्योंकि जब हम सेंटरों पर देखते हैं तो टीकाकरण के लिए लोग सेंटरों तक पहुंचते हैं और काफी भीड़ वहां देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब लोगों में जागरूकता आ चुकी है। और वहीं अब पल्स पोलियो की बात करें तो पल्स पोलियो के लिए भी लगातार जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से चलाया जाता है और अब आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे और तमाम लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो अपने बच्चों को लेकर सेंटरों तक पहुंचे और पोलियो की दवाई उनको पिलाएं। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि पिछले कुछ समय से लगातार घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सेंटर जिस तरीके से गांव गांव जाकर सेंटर लगाए जाएंगे और तमाम बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो जागरूकता अभियान है वो अब बढ़ेगा और तमाम लोगों में जागरूकता जरूर आएगी। धनराज, आपने कहा कि 644 पोलियो बूथ पर अभियान चलेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ भी बहुत ज्यादा आ रही है आपने कहा, तो क्या इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं ताकि किसी तरीके से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो पाए?
जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा गया कि 644 सेंटर आज लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ होनी लाजमी है, क्योंकि 644 सेंटर बहुत ही कम पूरे उत्तराखंड में माने जाते हैं, क्योंकि काफी बड़ा उत्तराखंड है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए तमाम व्यवस्था बनाई गई है सेंटरों पर, तमाम लोगों को वहाँ पर लगाया गया है व्यवस्था बनाने के लिए, और तमाम लोग व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करना अनिवार्य होगा, और सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही सब लोगों बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मास्क लगाकर आना होगा, यदि मास्क लगाकर कोई नहीं आएगा तो उसको पोलियो की दवाई नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। जी ठीक है, धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें देवभूमि में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, ये राहत भरी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी गई है और 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं, 15 नए संक्रमित और एक भी मरीज के 24 घंटे में मौत नहीं हुई, और इसी के साथ 20 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 228 तक पहुंच गई है। हालात बेहद सामान्य होने लगे हैं उत्तराखंड में, रफ्तार थमने लगी है और साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या भी घटने लगी है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 228 पर पहुंच गई है और 24 घंटे के अंदर सिर्फ 15 नए मरीज, और राहत भरी खबर यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, और वहीं 20 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। अस्पतालों में इस वक्त देखा जा रहा है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरह से लापरवाही न बरती जाए और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन हो। इसके लिए प्रशासन भी लगातार सतर्क मोड में नजर आ रहे हैं और बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण की रफ्तार भी जिस तरीके से लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सीएम खुद सक्रिय मोड में है और उनकी तरफ से लक्ष्य भी रखा गया है कि दिसंबर के अंत तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। लगातार टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और रिकॉर्ड टीकाकरण किया भी जा रहा है उत्तराखंड में, जिसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है कि मरीजों की संख्या बेहद कम होने लगी है और नए संक्रमित 15-24 घंटे के अंदर पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई, ये भी राहत भरी खबर उत्तराखंड से सामने आई है। कोरोना की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है जिस तरीके से कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, ये राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और लोगों में दहशत नजर आ रही है, इसके बाद हालात अब सामान्य होने लगे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर की गई है, तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे संचित का रुख करेंगे। संचित, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी आने लगी है, अब क्या हालात उत्तराखंड में आप देख रहे हैं? देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि अगर कोरोना के हालात की बात करें तो देखिए जिस तरीके से बीते कुछ दिन में कोरोना के केसेस बढ़ गए थे और जो मौतों का आंकड़ा शून्य था वो भी दो लोगों की मौतों से एक रजिस्टर में तैयार हो गए थे, तो जो मौत शुरू हो गई थी, लेकिन अब देखिए आज पिछले 24 घंटे की दोबारा बात करें तो कोरोना की गति फिर उत्तराखंड के अंदर कम होती नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से लगातार जो कोरोना केसेस में कमी आई थी और जिन दो लोगों के मरने की जो सूचना कोविड से पता चली थी उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग था वो अलर्ट मोड पे था, उन्होंने इस चीज की जानकारी जुटाई कि क्या कारण थे, क्या मुख्य लक्षण थे इनके अंदर, कोरोना के अलावा क्या कॉजेज हो सकते थे जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई, उसको लेकर के लगातार जो स्वास्थ्य विभाग था वो अलर्ट मोड पे था। देखिए उसी का एक परिणाम है कि जो अब कोरोना के केसेस हैं वो दोबारा से कम होते हुए नजर आ रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो दोबारा से शून्य की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। सोनिका, अगर बात जमीनी स्तर की करें संचित, तो ग्राउंड जीरो पे आप क्या हालात देखते हैं, क्या लोग जागरूक है अभी पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं मामले तो सामने आ रहे हैं? जी देखिए सोनिका, बात है ग्राउंड जीरो की करें तो हम लगातार फील्ड में मौजूद रहते हैं, फील्ड में जाकर के देखते हैं तमाम कोविड के जो हालात हैं उसको देखते हैं, हॉस्पिटल का टाइम टाइम पे चेक भी करते हैं कि हॉस्पिटल की जो कोरोना से स्थिति है वो कैसी है, जो सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है वो कैसे है, तो उनको देखते हुए जब हमने रियलिटी चेक करे, कई बार अस्पतालों में जाकर के चेक किया तो देखा जो सरकार की व्यवस्था है जिसका दावा और वादा सरकार लगातार कर रही है वो निश्चित रूप से साबित होता नजर आ रहा है, वो दिखता है वहां पर धरातल पे, वो सारी चीजें दिखती है जो सरकार बताती है कि जो उन्होंने व्यवस्थाएं की है, चाहे वो आईसीयू बेड को लेकर के हो, चाहे वो वेंटिलेटर को लेकर के हो, चाहे वो तमाम दवाइयों को लेकर के हो, चाहे कोरोना के टेस्टिंग को लेकर के हो, तो वो सब धरातल पे दिखता है। और लोगों के जागरूकता रहने की बात करें, जागरूक रहने की बात करें तो जो मुहिम और जो अभियान लगातार सरकार द्वारा उत्तराखंड के अंदर चलाया जा रहा है, जो जिसमें
जागरूक रहने की बात कोरोना से कही जा रही है। उसमें लोगों ने बीते दिन कुछ लापरवाही बरती थी, उसके बाद लेकिन सरकार ने जिस तरीके से दोबारा से जागरूकता अभियान को बंद ना होते दोबारा से शुरू किया, तो कहीं ना कहीं लोग दोबारा जागरूक होते नजर आ रहे हैं। सोनिका, संचित मौसम भी बदल रहा है उत्तराखंड का, मौसमी बीमारियां सामने आ रही हैं, कितना आपको अस्पतालों में प्रबंध नजर आ रहा है इसे देखते हुए? जी देखिए, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते हुए लेकर के जिस तरीके से उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड के भूगोल की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बरसात ज्यादा होती है और बरसात के कारण जो आपदाएं हैं वो भी उत्तराखंड की आती है और साथ साथ जो तमाम बरसाती पानी उत्तराखंड के अंदर बढ़ जाता है उससे भी कई तरह की बीमारियां उत्तराखंड में पनप जाती है। देखिए बीते दिन जिस तरीके से डेंगू ने अपना कहर बरपाया उत्तराखंड के अंदर, तो लगातार दोहरी मार उत्तराखंड को झेलनी पड़ी, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो चाहे वो डेंगू को लेकर के हो। इसको लेकर के जो दून हॉस्पिटल है उनके जो वहाँ पे पंजीयन से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि लगातार किस तरीके से मौसमी बीमारी फैल रही है, तो इसमें जो बाहर का खाना है, जो बाहर जो रोड साइड फूड होता है, जो फूड रोड वेंडर से मिलता है, जो खाना मिलता है उसको खाने से बचे, जो तमाम जल भराव की समस्या होती है इन सब से बचेंगे तो डेंगू और जो तमाम बीमारियां हैं, जो तमाम जो मौसमी बीमारियां होती है जो पनप रही है उनसे निजात पाने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपने जिस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करी तो तमाम तरीके की व्यवस्था हॉस्पिटल में देखने को मिलती है, मौसमी बीमारियों को लेकर के भी और जो बीमारियां डेंगू और कोविड चल रही है उनको लेकर के भी तमाम तरीके की व्यवस्था हमें अस्पतालों में देखने को मिलती है। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो उत्तराखंड से संचित हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, देवभूमि में बारिश का कहर एक बार फिर देखा गया है। बड़ी जानकारी, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। 29 अक्टूबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। इसे देखते हुए पर्यटकों को अपील भी की जा रही है उनसे कि इस वक्त उत्तराखंड का रुख ना करें। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 29 अक्टूबर तक बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और इस दौरान उत्तराखंड में लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, कहीं भूस्खलन तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके बाद मलबे सड़कों तक पहुंच गए हैं और जो हालात देखे जा रहे हैं तस्वीरें सामने आ रही है लगातार भूस्खलन की। विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त कैसा मौसम उत्तराखंड का? तो सोनिका देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में हालांकि अभी धूप निकली हुई है और पूरी तरीके से मौसम साफ है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी जो लगातार बारिश है वो सामने आ रही है और अभी हाल ही में जिस तरीके से पिथौरागढ़ और चमोली में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है उसके बाद जाहिर तौर पर जो प्रशासन है वो लगातार मशक्कत कर रहा है रास्ते खोलने की, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 15 सितंबर के बाद से जो मानसून है उसकी रफ्तार धीमी पड़ेगी, जिसके बाद सभी जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है, उनकी मरम्मत की जा सकेगी, लेकिन अभी भी जो बारिश है वो राज्य में लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में जो बारिश है मॉनसून है उसकी रफ्तार जाहिर तौर पर कम हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी जो भारी बारिश है वो देखने के लिए मिल रही है। जी, और ये जिक्र करिएगा जिस तरीके से हालात हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भूस्खलन लगातार हो रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए कितनी चुनौती देख रही है आप? जी बिल्कुल, पहाड़ी इलाके में पहाड़ी लोगों का जनजीवन जो है वो हर मौसम में एक चुनौती से भरा होता है, खासतौर पर जब बारिश मानसूनी बारिश की बात हम करते हैं तो जाहिर तौर पर ये बारिश जो है वो पहाड़ी जो इलाके हैं, पहाड़ी जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी आफत लेके आती है। प्राकृतिक आपदाओं से भरा पहाड़ी लोगों का जनजीवन रहता है और पूरी तरीके से अस्त व्यस्त सभी सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल कराना प्रशासन के लिए भी बड़ी मशक्कत का काम है और जाहिर तौर पर जो कनेक्टिविटी है पहाड़ों से मैदान की वो इन पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बंद हो रही है और पहाड़ी लोगों का जो मैदानों से जो आवाजाही है, चाहे वो रोजगार का माध्यम हो या फिर अन्य जो शिक्षा का माध्यम हो, कोई भी जो माध्यम हो, वो पूरी तरीके से फिलहाल डिस्कनेक्ट है और उसी तरीके से जो मैदानी जो इलाके हैं, जो पहाड़ों से जो सामान आता है, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो, जड़ी बूटी हो, दवाई हो या अन्य जो चीजें हो,
जाहिर तौर पर ये तमाम जो चीजें हैं वो चुनौती भरी रहती हैं और यह जो मौसम है वो पूरी तरीके से एक तरीके से कहिए कि मुसीबत से भरा हुआ होता है। तो जाहिर तौर पर जो जनजीवन है, आम लोग हैं, उनके लिए जो बारिश है वो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आम जो जरूरतें हैं वहां तक उनके सामने चुनौती पेश करती है। जी अभिषेका, जिन चुनौतियों का आपने जिक्र करा इन्हें देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए प्रशासन की तरफ से लगातार जो बीआरओ की टीमें हैं वो लगाई गई हैं और हर जगह पर जहां भी जो सड़कें जो बहने की जो खबर आती है वहां पर वैकल्पिक रूट तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बारिश के चलते राज्य को जितनी भी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो राजमार्गों का नुकसान है, अन्य बिल्डिंग जो है वहां का नुकसान है और लोगों के घरों में मलबा भरकर लोगों के घर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो नुकसान है, उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए। और खासतौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं या वो हाईवे हैं जो पहाड़ी जिलों को मैदानी जिलों से जोड़ते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य कहीं भी ना रुक पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन की टीमों को सख्त निर्देश भी दिए हैं और वह काम अभी जारी भी है। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है और जिस तरीके से लगातार मौसम करवट ले रहा है इसके बाद लोगों के लिए बेहद चुनौती हो गई है, लोगों की जीविका पर खतरा मंडरा गया है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है लेकिन ऐसे में पर्यटकों से अपील की जा रही है कि इस वक्त उत्तराखंड का रुख करने से बचें क्योंकि तेज बारिश का दौर लगातार चल रहा है। एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है, पीएम नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ जाने की उम्मीद है, उनकी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं केदारनाथ के दर्शन कर राज्य के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, सूत्र की तरफ से ये भी जानकारी सामने आई है। और पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले 2019 में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था। एम्स ऋषिकेश में पीएम करेंगे 162 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा इस दौरान और केदारनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद नेताओं से मुलाकात की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी जानकारी सामने आई है सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ पहुंच सकते हैं और इस दौरान एम्स ऋषिकेश में 162 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बीते कई दिनों से ये कयास लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होना है और अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ गई है कि 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले 2019 में केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था, एक बार फिर पहुंचने वाले हैं और इस दौरान अपने दौरे के दौरान एम्स ऋषिकेश में 162 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होना है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जानकारी सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, आपके पास क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो अक्टूबर माह है यानी पिछला माह है उसमें बीजेपी का जो टॉप लीडर, टॉप डिसीजन मेकर लीडर है यानी जो शीर्ष नेतृत्व माने जाते हैं वो सारे लोग उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगे। अभी तक जो सूचनाएं मिली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। सबसे अहम दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है क्योंकि जो उनके सलाहकार हैं भास्कर फुलवे और उनके अन्य साथी जो पीएमओ के हैं वो सारे अभी पिछले दिनों यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा करके गए हैं, मुख्यमंत्री से मिल करके गए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि अभी तो ऑफिशियल तौर पे पीएमओ से या पीएमओ से कुछ नहीं कहा गया है लेकिन जो सूत्रों के संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगले माह केदारनाथ धाम का दर्शन करेंगे, बाबा केदार का आशीर्वाद लेंगे और इसके साथ यहाँ के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ एम्स ऋषिकेश में जो ऑक्सीजन प्लांट का एक लोकार्पण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो उनका तो अब क्योंकि चुनाव समय सर पे है, चुनावी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं तो इस लिहाज से देखें तो अब अगले कुछ महीने ऐसे ही नेताओं के आने जाने का क्रम जारी रहेगा। और सबसे प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार का जनादेश जनता से मांगा था और उनको डबल इंजन की सरकार का जनादेश मिला, उनको प्रचंड बहुमत मिला, उत्तराखंड के सियासी इतिहास का अब तक का सबसे प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। अब प्रधानमंत्री आएंगे क्योंकि चुनावी समय में उनका यह दौरा होगा तो लोगों को ये उम्मीद है कि वो कुछ बताएंगे कि किस तरह से
उन्होंने डबल इंजन की सरकार में काम किया और क्या कुछ आगे वादा करते हैं जनता से, ये देखने वाली बात होगी। तो सभी की जो सियासी विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी नजरें उनके दौरे पे सोनिका लगी हुई है। यानी ये माना जाए धीरेन्द्र की पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, और कहा जा रहा है कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा, यानी सत्ता के दहलीज पर पहुंचने का रास्ता खोलने का काम करेंगे वो। अब बिल्कुल सोनिका देखिए, अब क्योंकि चुनाव है तो निश्चित रूप से सत्ता में बीजेपी की वापसी का दबाव सभी नेताओं पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास एक सबसे बड़ी उपलब्धि की योजना होगी वो चार धाम ऑल वेदर रोड का, वो कितना काम हुआ है और कब तक हो जाएगा, इन सारी चीजों का भी वो गुणगान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है किस तरह से उत्तराखंड की आर्थिकी को बदलेगा। और इस पे जो पर्यावरण भी है वो लेकर के बहुत सारी आपत्तियां भी उठाते रहे हैं, और पिछले कई सालों से जब से ये बन रहा है तब से ये प्रायः देखा भी गया है कि उस रोड की वजह से बहुत बार भूस्खलन और इस तरह की चीजें सामने आई है। तो शायद इस पर भी कुछ प्रकाश प्रधानमंत्री डाल सकते हैं कि वो क्यों हो रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंट के उनका क्या कहना है, और ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, और इसका जो आर्थिक प्रभाव है उत्तराखंड पे किस तरह से पड़ेगा, इस पर भी कुछ डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नई सौगातें भी कुछ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव कुछ ही समय रह गए हैं, तो बहुत सारे वादे और दावे अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी यहाँ सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, और प्रधानमंत्री उसके शीर्ष नेता है, सबसे बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से राज्य के लिए कुछ न कुछ अच्छी घोषणा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहेगी धीरेन्द्र? बिल्कुल, देखिए सोनिका, प्रधानमंत्री का अपने राज्य के नेताओं से अपनी पार्टी की मुलाकात है, और सबसे अगर इसके महत्व की बात करें तो आपको पता ही है कि नमो मंत्र के नाम से भी मोदी के क्रियाकलापों को जाना जाता है, कि मोदी जहां जाते हैं वो एक मंत्र देते हैं चुनावी जीत का, चुनावी सफलता का, सियासी जीत का। तो निश्चित रूप से लोगों की निगाहें इस पर भी लगी हुई है कि वो अपने नेताओं को क्या मंत्र देते हैं, क्योंकि मोदी भारतीय राजनीति में ऐसे नेता माने जाते हैं जो किसी भी तरह की लापरवाही को कभी बर्दाश्त नहीं करते, और उसका एक उदाहरण उत्तराखंड है। एक मॉडल के तौर पे आप उत्तराखंड को ले सकती हैं, जहाँ पे मोदी ने तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, उनको कहीं ना कहीं से ये इनपुट मिला कि ये जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, जनादेश इनके खिलाफ जा सकता है, और उसको देखते हुए उन्होंने कोई भी कोताही नहीं की। और जब उत्तराखंड से जो बदलाव की बयार बही वो कर्नाटक गुजरात तक पहुंच गई, आसाम तक पहुंच गई, तो आप समझ सकती है कि उत्तराखंड का महत्व तो कितना है देश के लिए और भाजपा के लिए। तो निश्चित रूप से वो अपने नेताओं को कुछ मंत्र देते हुए दिखाई देंगे, जिसका चुनाव में इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ भी दिखाई देगा, और इसीलिए उनकी ये बैठक, ये मुलाकात। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और बड़ी जानकारी सामने आ रही पंजाब से। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम भटिंडा पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, गुलाबी सुंडी के अटैक से नष्ट हुए कपास की खेती का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री चन्नी और डिप्टी सीएम रंधावा ने किसानों को तुरंत मदद का भरोसा दिया है, साथ ही प्रभावित इलाकों की तुरंत वित्तीय सहायता होगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आई है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भटिंडा पहुंच गए हैं। इस दौरान जो कपास की खेती का जायजा ले रहे हैं, जो गुलाबी झंडी के कारण नष्ट हो गई थी, मुख्यमंत्री चन्नी और डिप्टी सीएम ने किसानों को तुरंत मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि प्रभावित इलाकों में तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जायजा लेने खुद पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री और उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। और जायजा लिया जा रहा है आखिर कि किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि आश्वासन दिया गया है कि तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी, प्रभावित इलाकों की तुरंत वित्तीय सहायता होगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बाद से ही लगातार एक्टिव मोड में वो नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है, किसानों को तुरंत मदद का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है, साथ ही कहा गया है कि प्रभावित इलाकों की तुरंत वित्तीय सहायता पहुंचाई जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। गुलाबी सुंडी के अटैक से नष्ट हुई कपास की खेती का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अब उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अचानक अस्पताल पहुंचे, संयुक्त चिकित्सालय सतपुली का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और उपस्थित रजिस्टर में गड़बड़ी करने के लिए चिकित्सकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, आपको कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज नजर आ रहे हैं, अचानक संयुक्त चिकित्सालय सतपुली पास आप लोगों अस्पताल पहुंचे और दौरा किया। आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं? होने चाहिए नहीं सर, एक रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? एक या दो या तीन? इनके चार रजिस्टर इनके बने हुए और ये डॉक्टर रहते नहीं है यहाँ पर। एक रहता है, दो रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ये कोई तरीका है? मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, ये बात आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नदारद, सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है कि आप नदारद रहे, यहां रहे नहीं कोई मरीज तो आएगा ना। आप लोगों को मतलब कोरोना काल है, बीमार लोग आ रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते, फिर थोड़ी भी आपको मानवता नहीं है। आपने तो हिपोक्रेटिस ओथ ले रखी है, आप सेवा करेंगे? आप छुट्टी पर चले जाते हैं, बाहर रहते? चलिए तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।